हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हों। मैं अपने चैनल में आज इस बार लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा फ्लावर, क्रोशिए से बना हुआ क्रोचेट फ्लावर है ये। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हों, चाहे वो बच्चों का प्रोजेक्ट हो या बड़ों का, या फिर लड्डू गोपाल की कोई ड्रेस बनानी हो, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान फ्लावर है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। देखिए इस तरीके का ये फ्लावर है, बहुत ही प्यारा सा, और इससे जो भी आप बनाएंगे उसका लुक दो गुना बढ़ जाता है। और मैं इसे एकदम आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो देखिए 12 नंबर का क्रोशिया है, 2.5 mm आप ले सकते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए इसको हम रख देंगे साइड में, और जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ऑरेंज, जो कि हम मिडिल में यूज़ करेंगे, और वाइट कलर जो कि हम साइड में यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज कलर। बनाना बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप इसको अपनी उंगली पर लपेट लें। इसके बाद इस सर्कल को आप ऐसे निकाल दें, और जो यहाँ पर जॉइंट है इसको आप पकड़ के रखें। क्रोशिया इस तरह से डालना है, इस तरीके से ये लूप हमारे हाथ में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको पकड़ लें, पकड़ने के बाद ये हाथ छोड़ देंगे, और ये वाला धागा आप उंगली पर जो ऊन है उसे इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद थोड़ा छोटा ही लपेटना है, ताकि हम इसको जब खींचें तो ये थोड़ा टाइट हो जाए। टाइट हो जाएगा तो आप इसमें नॉट लगा लें, मैजिक सर्कल इसको बोलते हैं। इस तरीके से ये सर्कल बन जाता है। उसके बाद हमें देखिए हमें क्या करना है, तो हमें बनाने हैं इसके अंदर क्रोशिया। तो क्रोशिया कौन सा बनाना है? सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्रोशिया निकालेंगे, और ये बैक साइड से हम धागा इस तरह से खींचेंगे, और यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। और देखिए दो तीन चार पाँच, इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हमें सिर्फ यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया लेना है। इसको हम थोड़ा सा टाइट खींच देंगे तो ये हमारा जो होल है वो थोड़ा छोटा सा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो पहला क्रोशिया है, फर्स्ट क्रोशिया में हम यहाँ पर इस तरीके स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच ले लिया है। अब यहाँ पर एक चेन लेकर इस धागे को हम टाइट खींच देंगे, और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ेंगे, बाकी का हम कट कर देंगे। तो ये हमने कर दिया यहाँ से कट, धागा हमने निकाल दिया है, ये देखिए, और टाइट कर देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा छोटा सा सर्कल बन गया है। अब देखिए अब लेते हैं हम यहाँ पर वाइट कलर, जिससे हम पत्तियाँ बनाएंगे। आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हम इसमें एक नॉट लगाएंगे। आप चाहे बिना नॉट के भी आप इसको लगा सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं, बट मैं नॉट लगा कर ही जॉइंट करती हूँ, जिससे कि वॉश करते समय ये ना निकले। तो ये लूप बन गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा पहला क्रोशिया नज़र आ रहा है, हम इसमें क्रोशिया निकालेंगे और इस लूप को इसमें से निकाल लेंगे। पहली चेन में से निकाल दिया, इसको हम साथ के साथ इन दोनों को बंद करते जाएंगे। यहाँ पर नॉट लगा लिया, टाइट कर दिया, नॉट हमारा हो गया इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पर नॉट लगा लिया। अब देखिए अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पर चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन हमने ले ली है। अब देखिए धागा हम एक दो बार लपेटेंगे इस, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्रोशिया है उसमें हम इस हुक को डालेंगे। क्रोशिया हुक नेक्स्ट वाले में डालना है। उसके बाद देखिए एक बार ऐसे निकालेंगे, फिर एक और बार ऐसे निकालेंगे, और फिर इन दोनों लूप्स में से भी हम निकाल देंगे। फिर धागा हम लपेटेंगे, और सेम प्लेस आपको उसी जगह जिस जगह से पहला क्रोशिया निकाला है, ये इसी जगह से आपको दूसरी बार भी निकालना है। ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। तो दो ट्रिपल क्रोशिया हमने ले लिए हैं, एक बार और हमें ट्रिपल क्रोशिया इसी जगह से सेम प्लेस से लेना है। तो देखिए
तीन हमने एक जगह से लिए हैं, उसके बाद एक दो तीन चेन ले लेंगे, और जो नेक्स्ट वाला जो क्रो चेन है उसमें हम नेक्स्ट वाले चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद देखिए फिर एक दो तीन चेन लेंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में तीन बार लेंगे, 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया इन वन चेन। ये दूसरा डबल ट्रिपल क्रोशिया और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद तीन चेन और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। बस इसी तरह से हमने ये पत्ती हमारी बना लेनी है। हमारे यहाँ तक जो लास्ट में आएगी पत्ती वो यहाँ तक आ जाएगी, वो हमारी छठवीं पत्ती होगी। तो 6 पूरी 6 पत्तियाँ हमने कंप्लीट कर लेनी है। सारी पत्तियाँ हमारी बन गई हैं, 3 चेन हमने ले ली हैं, और जो लास्ट में हमने स्लिप स्टिच यहाँ पर करना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। पीछे की साइड ले जाकर एक चेन लेकर इसको टाइट कर देंगे, और थोड़ा सा बड़ा धागा रखेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप ग्लू गन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इस धागे की से इसको पीछे बांध सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसमें इसको बांध सकते हैं। इसको थोड़ा सा और टाइट खींच लेंगे, बीच वाले हिस्से को थोड़ा छोटा कर देंगे, और यहाँ पर पीछे की साइड ले जाकर इसमें हम दो नॉट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से, और जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज़ करें इस फ्लावर को, अच्छे से आप ओपन कर दें फ्लावर को, जब भी आप यूज़ करें तो इसके ऊपर एक कॉटन का हैंकी या रुमाल रखकर या कॉटन की कोई भी कपड़ा रखकर इस पे एक बार प्रेस कर दें। तो जब आप सॉरी प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और सुंदर भी दिखे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें।